नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2:20 पर राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भूपेंद्र पटेल बता दें आज अकेले ही शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले रविवार शाम को भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 55 साल के भूपेंद्र पटेल को रविवार को अहमदाबाद में सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। बता दें सीएम रूपाणी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी और 182 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के 112 विधायकों में से अधिकतर बैठक में उपस्थित रहे थे। यानी कि अब गुजरात को नया मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल मिल चुके हैं और आज 2:20 पर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक के पुनर्विकास के बाद उद्घाटन करने वो पहुंचे और इस दौरान केजरीवाल के साथ दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। ऐसे में उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की पहचान पूरे विश्व में चांदनी चौक से है। हालांकि इसकी पहचान चारों तरफ लटकते तारों के साथ और मुसीबतों से हो गई थी, जिसे इस पुनर्विकास में दुरुस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का चांदनी चौक सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी बन गया है और जो भी दिल्ली आएगा वो चांदनी चौक जरूर आएगा। आगे हमारी सरकार यहां पर स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की योजना पर भी काम करेगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कार्यक्रम के तहत अपने मुख्यमंत्री आवास में मौजूद रहेंगे। इस दौरान 11:30 तक सीएम धामी मुख्यमंत्री आवास में रहकर शासकीय कार्य निपटाएंगे और इसके बाद सैन्य धाम के संबंध में गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं सीएम 5:00 सचिवालय पहुंचेंगे और इस दौरान बैठक में ऊर्जा विभाग की समीक्षा भी करेंगे। तो बता दें आज 5:00 सीएम धामी पहुंचेंगे और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री आवास पर ही मौजूद रहेंगे और सारे शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। तो ऐसे में अपने आवास पर ही वो आज के पूरे दिन कामकाज करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक विजय पाल सजवान की उपस्थिति में धनारी पच्ची के पीपली स्थित पुराना इंटर कॉलेज में कांग्रेस सम्मेलन और हुंकार रैली का आयोजन किया गया। बता दें कार्यक्रम में धनारी क्षेत्र के अनेक जनपक्षीय मुद्दों पर क्षेत्रीय जनता के साथ विस्तृत चर्चा की गई और मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस विधानसभा के ब्लॉक पट्टी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित कर रही है। ऐसे में स्थानीय जनता भी बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त होकर लगातार कांग्रेस से जुड़ रही है। यहां हुए सम्मेलन में धनारी क्षेत्र के हर गांव से सैकड़ों लोगों सहित युवा महिलाएं और सेवानिवृत्त कर्मियों ने पूर्व विधायक सजवान जी के नेतृत्व पर भरोसा व्यक्त कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और आने वाले 2022 में उन्हें भारी बहुमत के साथ जीत दिलाने की घोषणा भी की है। ये तो ऐतिहासिक सभा थी और इसमें अनेक गांव से जो है निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, भूतपूर्व जो है कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और नौजवान हैं, महिलाएं हैं। मुझे लगता है लगभग 200 जिम्बार लोग जो है आज इस प्रांगण में जो है कांग्रेस पार्टी में विजय पाल सजवान जी के नेतृत्व में जो है उन्होंने जो है आस्था जताई है, यहाँ सम्मिलित हुए हैं और ये संदेश लेके गए हैं कि हम धनारी पट्टी से जो है कांग्रेस पार्टी को विजय पाल सजवान जी को आगे रखेंगे। चार चरम सीमा पर होकर देवस्थानम बोर्ड का काला कानून हो, चाहे हमारे चार धाम यात्रा न खुलने का मामला रहा हो, भटवाड़ी यहाँ धनारी के पॉलिटेक्निक का के भवन का मामला रहा हो, इंद्रावती में सुरक्षा दीवार का मामला रहा हो, यहाँ पर सड़कों जो सड़क मेरे कार्यकाल में स्वीकृत करी गई थी उनका पुनर्निर्माण का मामला रहा हो,
यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर का ना मामला, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ की धनारी की जनता अब डबल इंजन की सरकार को सबक सिखाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकाने का संकल्प आज ऐतिहासिक पिपली के इस पिपली के इस मिंटर का हाईस्कूल के प्रांगण में आज ये संकल्प लिया गया कि सन 2022 में कांग्रेस को यहाँ पर धनारी की जनता अपना आशीर्वाद देना चाह रहे। इस छोटे अपने एक सेवक जो एक भाई के रूप में, बेटे के रूप में धनारी की महान जनता ने सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस में सम्मिलित होकर इस समय एक हमें नई ताकत और ऊर्जा दी, और निसंदेह मैं इस ताकत के बल पर मिशन 2022 को हम फतेह करेंगे। मामला प्रताप नगर के नगर पंचायत लम गांव के ठीक नीचे 8.25 करोड़ से निर्मित जलकुंड नदी पर ग्राम पंचायत पिपलोगी को जोड़ने वाले झूला पुल का है, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पुल पर रंग भरने का काम किया जा रहा है और ऐसे में पुल से लगभग सारी मशीनरी और लेबर को हटा दिया है और कुछ लेबर पुल के काम को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। लेकिन पुल का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही पुल पर सुरक्षा के लिए लगी रेलिंग और जाली बनने से पहले ही उखड़नी शुरू हो गई है। जी हां, बता दें कायदर्य संस्था और पुल निर्माण करने वाली कंपनी पर सवाल खड़ा हो रहा है और ये दर्शाता है कि पुल पर मानकों के हिसाब से काम नहीं किया गया, जिस वजह से पुल की रेलिंग बनने से पहले ही उखड़नी शुरू हो गई है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने पुल की गुणवत्ता को परखने के लिए पुल के कार्यों की मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रताप नगर में ये पुल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से इस पुल का अभी तक निर्माण भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही ये रेलिंग जो है वो उखड़नी शुरू हो गई है और ऐसे में सवाल इसकी गुणवत्ता को लेकर खड़े हो रखे हैं और झूला पुल के बनने से पहले ही रेलिंग उसकी उखड़ने लगी है, ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक रूट में शामिल कालिदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक पर इस सीजन के पहले दल ने कालिदी खाल पास को पार किया है। जी हां, ट्रैकिंग दल में कोलकाता की एक महिला सहित 10 सदस्य शामिल हैं और दल ने 10 दिनों के अंतराल में ये ट्रैक को पार कर लिया है। बता दें गंगोत्री धाम से बद्रीनाथ को जोड़ने वाला कालिदी खाल ट्रैक दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैकों में शुमार है। हिमालय की कंदाराओ और ग्लेशियर के ऊपर से गुजरने वाले 109 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर बर्फ से ढकी भारत की एक दर्जन नामचीन चोटियों के दीदार होते हैं। 80% बर्फ से ढके इस ट्रैक को पूरा करने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं और ऐसे में कोरोना संक्रमण का असर भी इस ट्रैक पर पड़ा है। 2020 में इस ट्रैक पर एक भी दल ने ट्रैकिंग नहीं की, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर कम पड़ने के बाद अब पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। दल के गाइड के रूप में कपिल पवार और विपिन पवार ने टीम का मनोबल बढ़ाया और 10 दिन के अंतराल में ये ट्रैक पार उनको करवा दिया है। बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकान मालिक के साथ जमकर मारपीट की और उसका लाइसेंस रिवॉल्वर छीन लिया, जिसके बाद दबंग मौके से फरार हो गए, जहां आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घायल को इलाज के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया। मारपीट और लूट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और 6 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बाजपुर की पूरी घटना है, देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से छीना झपट और मारपीट हो रही है। हालांकि इस पूरी घटना का वीडियो जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें वादी के द्वारा बताया गया है कि उसके भाई की दुकान में घुसकर 6 व्यक्तियों ने उसके भाई के साथ मारपीट करी है और साथ दुकान में तोड़फोड़ की है और साथ ही साथ उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी छीन के लेकर गए हैं। मामले में हमने तहरीर प्राप्त कर ली है, सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है, हमारी टीमें निकली हैं और जल्द ही इस मामले में हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे।
राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में बेरोजगारों और स्वरोजगार रोजगार से जोड़ने की मुहिम को लेकर उत्तरकाशी के विकास खंड डूंडा में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में स्वरोजगार शिविर आयोजित हुए। इसमें जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों की कड़ी में शिविर में संयुक्त रूप से स्वरोजगार से जुड़े विभागों और बैंकर्स के अधिकारी उपस्थित रहे और बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार की कई योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। देखो, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि आम जनमानस को हम किस प्रकार से उसका लाभ मिल सके, इसके लिए हमारे सरकार ने और हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय और हमारे जनपद के मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी आज इस शिविर में उपस्थित हैं और आपके द्वारा एक एक स्टॉल का निरीक्षण किया गया है और जिसमें काफ़ी हद तक जो है लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और अनेक डिपार्टमेंट यहाँ पे है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, समाज कल्याण हो, राजस्व विभाग हो, हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट हो और सभी के लोगों को जो है प्रमाण पत्र जारी करने का हम लोग काम कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप महाराज ने सरकार से उत्तराखंड को देश की अत्याधुनिक राजधानी घोषित करने और तत्काल चार धाम यात्रा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सनातन धर्म का देवालय है, इसीलिए उत्तराखंड में गैर हिंदू धर्म के लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार को इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और अगर सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाती है तो वो आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में चार धाम यात्रा से आस्था ही नहीं लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। अगर जल्द ही सरकार चार धाम यात्रा शुरू नहीं करती तो आने वाले चुनाव में इसका असर जो है वो भुगतना और खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर शराब पीकर आने वाले लोगों के लिए अब से नो एंट्री होगी। जी हां, हर की पौड़ी का व्यवस्था देखने वाली संस्था श्री गंगा सभा ने हर की पौड़ी के प्रवेश द्वारों पर एल्कोमीटर से चेकिंग शुरू कर दी है। जो भी व्यक्ति शराब के नशे में पाया जाएगा उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाएगा। हालांकि बता दें, पिछले दिनों से हर की पौड़ी पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने के कई मामले सामने आने के बाद गंगा सभा ने ये व्यवस्था बनाई है। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ का है कि हर की पौड़ी विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है और इसकी गरिमा बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। हर की पौड़ी जो है हमारी सनातनी परंपरा संस्कृति की आस्था का केंद्र है और हर की पौड़ी पर शराब का सेवन करके प्रवेश करना पूर्ण रूप से वर्जित है। हमें स्थान की मर्यादा का ध्यान रखना है और मर्यादा को बनाए भी रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री गंगा सभा द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हर की पौड़ी के प्रवेश द्वारों पर, जो ब्रह्मकुंड के लिए जो बने हुए प्रवेश द्वार हैं, उन पर हम गार्ड तैनात करेंगे और जो कि एल्कोमीटर के साथ तैनात रहेंगे और जो भी ऐसा संदिग्ध या जो भी ऐसा व्यक्ति लगता है कि शराब का सेवन किया हुआ है उसकी प्रवेश द्वारों पर ही चेकिंग की जाएगी कि जिससे कि वो शराब का सेवन करके हर की पौड़ी में प्रवेश न कर पाए, हमारी स्थान की गरिमा किसी भी प्रकार भंग ना हो। साथ ही साथ हमने सुरक्षा के व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हुए HHMD जो है हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स भी अपने गार्डों को दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की वो प्रवेश द्वार पर ही जांच कर सकें। और साथ ही साथ हमारे द्वारा एक सचल दस्ता भी बनाया जा रहा है जो कि हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में ना सिर्फ जो शराब है उसकी जाँच कर सकेंगे, जो स्थान की मर्यादा बनाए रखने के लिए और जो लोगों में जागरूकता स्थान की गरिमा को बनाए रखने के लिए वो भी किए जाएंगे और जो अवैध रूप से जो घंटाघर और मालवीय द्वीप पे जो क्रय विक्रय का कार्य किया जा रहा है, जो बिना नगर निगम की अनुमति के जो लोग प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि घंटाघर और मालवीय द्वीप का भी स्वरूप बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। सितारगंज के देवपुर गांव की सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है। विधायक लालकुआ नवीन दुमका इसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं और ना ही PWD कोई कार्रवाई कर रहा है। दरअसल वर्तमान महिला प्रधान उमा रैकवाल ने ग्रामीणों की गांव में जाकर समस्या सुनी और चेतावनी दी कि अगर 15 से 20 दिनों के अंदर इस सड़क की समस्या को नहीं सुना गया या इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो गोलापार की जनता राष्ट्रीय राजमार्ग में उतरकर आंदोलन करेगी और चक्का जाम कर
बढ़ेगी। ऐसे में चौ गलिया गोलापात क्षेत्र में रोड ना बनने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि 15 सालों से रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है, रोड में गड्ढे हैं और आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन के जरिए अवगत कराया जाता है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक को भी कई बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन इस रोड के बारे में कोई भी नेता या सामाजिक कार्यकर्ता सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हम शासन प्रशासन को लगातार ज्ञापन दे चुके हैं, माननीय विधायक जी को ज्ञापन दे चुके हैं, पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। लगभग हमने सभी विभागों में जो है अपने माध्यम से जो है हमने अवगत कराया है कि हमारी जो है ग्राम पंचायत सुंदरपुर रखवाल की सड़क, देवपुर पोखरे की सड़क इतनी बुरी खराब है, शायद हमें तो ये लगता है कि हमारे इलाके की सबसे प्रथम सड़क होगी जो 14-15 साल से नहीं बनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से पूरा ये कम से कम 1 किलोमीटर की सड़क है यहां से लेकर वहां तक, और इतनी दयनीय स्थिति हुई है जगह जगह, मतलब यहां तो आदमी साइकिल से क्या पैदल भी चलने को बड़ा इसमें बड़ा कठिन है। मेरा निवेदन आपके माध्यम से यही है कि अगर हमारी जल्द जल्द मांगें पूरी नहीं की तो इसके लिए ग्रामीण जो है जल्दी ही जल्दी एक आंदोलन करेंगे। विधायक जी को कितनी बार ज्ञापन दे दिया है, लेकिन इसका सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो चुका है। उत्तरकाशी में पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन पहाड़ के अस्पतालों से रेफर मरीजों की रास्ते में मौत इस बात को बयां कर रही है कि अभी भी पहाड़ों में स्वास्थ्य सिस्टम दम तोड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने उत्तरकाशी से आया है, जहां जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर रसायवा गांव निवासी एक बीमार गर्भवती ने डूंडा के पास दम तोड़ दिया। वहीं गर्भवती के गर्भ में पल रही जिंदगी ने भी दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। बिहार में एक बार फिर से कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। दरअसल 10 सितंबर को 73 एक्टिव केस थे, तो कहीं वहीं 11 सितंबर को 75 हो गए थे, और शनिवार और रविवार के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से रिपोर्ट आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 80 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि हर दिन मिलने वाले मरीजों की संख्या अभी जिले में 1-2-3 ही है, और बीते रविवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल 7 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में रविवार को भोजपुर में 1, कटिहार में 1, मुंगेर में 2, पटना में 2 और सीतामढ़ी में 1 मरीज सामने आया है। वहीं शनिवार को बिहार में 14 नए केस सामने आए। ऐसे में शनिवार और रविवार के बीच कुल 151,046 लोगों की जांच की गई है। बिहार में अब तक बता दें 7,16,088 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं रविवार को बिहार में कोरोना वायरस से कुल 2 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि दूसरी ओर कोरोना से निपटने के लिए राज्य में 122 ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना भी की जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 30 सितंबर तक इनमें से अधिकतम प्लांट काम चालू हो जाएगा। उन्होंने डीआरडीओ की तरफ से राज्य में स्थापित होने वाले 44 ऑक्सीजन प्लांटों की समीक्षा भी की, और इसमें से 13 प्लांट शुरू हो चुके हैं। वहीं अन्य 13 प्लांटों से 10 दिनों के अंदर उत्पादन शुरू हो जाएगा, और साथ ही शेष बता दें ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की तैयारी भी की जा रही है। गुजरात में आज नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जी हां, 2:20 पर मुख्यमंत्री पद की भूपेंद्र पटेल शपथ ले लेंगे, लेकिन कई नामों को पीछे छोड़ते हुए उनका नाम सबसे सामने आया। जब सबको छोड़ते हुए तो ऐसे में हर कोई चौंक गया, क्योंकि देखिए बीजेपी सरकार में सबसे बड़ी बात यही है कि मोदी और शाह की जोड़ी जो है वो लोगों को सरप्राइज हमेशा देती है, और कहीं ना कहीं इस सरप्राइज के कयास लगाए भी जा रहे थे क्योंकि तमाम नाम आगे चल रहे थे, और ऐसे में उनको पीछे छोड़ते हुए एक अलग नाम सामने आया, एक वो नाम जिसका जिक्र कहीं से कहीं तक भी नहीं किया जा रहा था, जिसका नाम कहीं किसी को नहीं पता था, कोई उम्मीद किसी को नहीं थी कि ये नाम भी सामने आ सकता है, लेकिन उसके बाद भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया, और आज शाम को वो शपथ ले लेंगे। रिपोर्ट देखिए।
जनता पार्टी ने 24 घंटे से कम समय में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद के घाट लोधिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूपेंद्र पटेल राज्य के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। भूपेंद्र पटेल साल 2017 में पहली बार ही विधायक बने हैं और 4 साल गुजरते गुजरते बीजेपी आलाकमान ने उन्हें सीएम पद से नवाजा है। गुजरात से जितनी आश्चर्यजनक पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की विदाई रही, उतना ही चौंकाने वाला ये नाम रहा है भूपेंद्र पटेल का। मोदी शाह और नड्डा की अगुवाई वाली बीजेपी ने यहाँ सरप्राइज फैक्टर को बरकरार रखा। वो सरप्राइज फैक्टर को जो मोदी शाह ब्रांड बीजेपी की राजनीति का ट्रेडमार्क बना चुके हैं। दरअसल शनिवार को जब विजय रूपाणी ने कुर्सी छोड़ी तो उसी समय से कई नाम गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे थे। कभी नितिन पटेल को विजय रूपाणी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था तो कभी चर्चा हो रही थी कि पीएम नरेंद्र मोदी केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को गुजरात में बतौर सीएम नई जिम्मेदारी दे सकते हैं। 24 घंटे में मीडिया, सोशल मीडिया और सियासत की गप्पों और कयासबाजियों में कई चेहरे सीएम पद की रेस के लिए उभरे। कभी कोई नाम आगे चल रहा था तो कभी किसी और के नाम की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री पद की रेस में 23वें घंटे में तो एक और नाम अचानक से सामने आ गया और ये नाम था रणछोड़ फालतू। रणछोड़ फालतू गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो जामनगर से विधायक भी रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी भूपेंद्र पटेल को पीएम मोदी और अमित शाह ने ये जिम्मेदारी दे दी और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के गढ़ गुजरात में सीएम पद की जिम्मेदारी दे दी है। उनका नाम दूर दूर तक इस चर्चा में नहीं था। हाँ, इतना तो तय है कि दिल्ली से पीएम मोदी और अमित शाह का मैसेज लेकर अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर में गए भूपेंद्र यादव को भूपेंद्र पटेल की इस ताजपोशी का अंदाजा जरूर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक फैसलों में अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह अपने निर्णयों में इतनी गोपनीयता रखते हैं, इसकी हवा तक भी मीडिया को नहीं लग पाती। इस तरह स्पीकर ओम बिरला की बात कर ली जाए तो जून 2019 में बीजेपी नेतृत्व ने राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला को लोकसभा के नए स्पीकर पद की जिम्मेदारी दी थी। जुलाई 2021 में जब बीजेपी ने उत्तराखंड में नेतृत्व बदला, उस समय भी बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सीएम की रेस में कहीं भी नहीं थे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने आश्चर्यजनक रूप से उनके नाम का ऐलान किया और इससे पहले यहां सीएम की रेस में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत जैसे दिग्गज नेता चल रहे थे। अगर कर्नाटक की बात कर ली जाए तो जुलाई 2021 में ही जब बीजेपी कर्नाटक में सीएम बदलने की बात आई तो एक बार फिर से सरप्राइज फैक्टर सामने आया। यहाँ भी बीसी पाटिल, प्रहलाद जोशी, सिटी रवि जैसे नाम चल रहे थे, लेकिन नेतृत्व ने बसवराज बोमोई को सीएम पद की जिम्मेदारी दी। वहीं बीजेपी ने राज्य में विधायक दल की बैठक बुलाई थी जिसमें सभी विधायकों नेताओं की राय पर्यवेक्षकों ने जानी और इस पर चर्चा हुई, जिसके बाद विजय रूपाणी की राय भी ली गई। लेकिन बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत ब्रांड स्टेट के सीएम का नाम दिल्ली में ही तय कर रखा था और इसीलिए गुजरात में इस बदलाव की स्क्रिप्ट दिल्ली में ही लिखी गई, जिसका ऐलान औपचारिक तौर पर कर दिया गया और भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने सस्पेंस जो है वो बरकरार रखा था और कहा जा रहा था कि ऐसा सरप्राइज हो सकता है कि गुजरात में भी देखने को मिले और वही हुआ। और सीएम का जो चेहरा चुना गया, सीएम का नाम जो चुना गया, वो किसी ने नहीं सोचा था, कहीं से कहीं तक भी वो नाम सामने नहीं आया था। और उसके बाद भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर हर किसी को चौंका दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।